हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले ये जो शेयर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे मुझे नज़र आ रहा है, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब ये जो शेयर है, इसे हमने कवर किया था 70 रुपीज़ पे। हमारे अगर पीछे जाके वीडियो देखोगे एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो हमने 70 रुपीज़ पे कवर किया है ये शेयर। अभी ट्रेड कर रहा 121-130 का, इसने हाई लगाया बीते ट्रेडिंग सेशन में। तो इसमें मेन बात क्या बताऊँ, देखो अगर मैं बीएससी का चार्ट देखता हूँ, यहाँ देख सकते हो एवीटी एनपीएल, ये स्प्लिट हुआ है 400 रुपये से, स्प्लिट होके ये 40 रुपये पे आया था। उसके बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन और अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, ये फिर से 400 के लेवल तक जाएगा। मैंने इसे लास्ट टाइम भी कंपेयर किससे किया था, दीपक नाइट्राइट से। ये अड़के का कहाँ पे, देखो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये थोड़ी देर 180 के आसपास ये थोड़ा सा अटक सकता है, पर 180 क्रॉस किया तो फिर सीधा 400 हम इसका टारगेट रखेंगे। कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर टिकर टेप के हिसाब से देखा जाए तो देखो रिटर्न वर्सेस एफडी में ग्रीन है, मतलब एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है ये कंपनी ने। डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड पे करती है। मेरे पास इसके 100 शेयर है, मैंने खरीद के रखे। एंट्री पॉइंट अभी नहीं, अभी कीमत बढ़ चुकी है इसकी, और रेड फ्लैग कोई भी नहीं है, मतलब एएसएम जीएसएम का कोई इसमें लफड़ा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। स्टॉक का पी अभी ये टिकर टेप वाले 40 का बता रहे। इसमें देखा जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा डिविडेंड, अगर देखा जाए तो होल्डिंग फाइनेंशियल में देखेंगे। फाइनेंशियल में देखो कंपनी हर बार कुछ ना कुछ डिविडेंड, 40 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे। तो 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया है FY21 में, जो कि बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है रेगुलर। अब इसके फंडामेंटल की बात अगर मैं करूँ तो 1800 करोड़ की मार्केट कैप, 27 के पी पे मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 18.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, बुक वैल्यू 22 की और फेस वैल्यू 1 की है। ये 1 क्यों है, क्योंकि ये देखो 400 से स्प्लिट देके सीधा 40, 10 फेस वैल्यू थी इसकी, 1 फेस वैल्यू कर दी, इसलिए ये हो गई फेस वैल्यू 1। प्लेजिंग का कोई चक्कर नहीं है, डिविडेंड यील्ड 50% की डिविडेंड यील्ड है, और डेप टू इक्विटी 0.22, जो कि अच्छी बात है। अब देखो कंपनी करती क्या है, प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओलियो रेजिन एंड वैल्यू एडेड टीज। तो ओलियो रेजिन वाली सब कंपनियां बढ़िया कर रही है, आप देख सकते हो जितनी भी कंपनियां ये अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और ये भी कंपनी उसमें से ही आती है। अपने 50 DMA और 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रही है अभी फिलहाल। ये देखो दोनों के ऊपर ट्रेड कर रही है, बहुत ज्यादा डिविडेंड पे आउट है। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसके सेल्स, तो सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ दिखी, 97, 105, 125, 130, 126, 147, 135, देन 148। तो दिसंबर में 148, ये इनका 2019 से सबसे ज़्यादा सेल्स रहा दिसंबर 2021 में। तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 9, 17, 12, 16, 14, 27, तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे कंपनी अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है। इसका ईपीएस देखो, ईपीएस में भी हमें बढ़ोतरी दिख रही है, 1.74 हो गया ईपीएस, 1.07 था, 0.93, फिर 1.74 हो गया। तो ईपीएस बढ़ा कंपनी का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में भी इंक्रीज है, सब जगह मुझे इंक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी अगर प्रमोटर होल्डिंग देखो, 74.96% प्रमोटर के पास था। प्रमोटर ने वो जो 0.5% है वो भी खरीद लिया, और 75% जो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कर सकते थे उतना उन्होंने कर लिया है। 75% देखो, 74 था, 74.47 या 65 या 81, 96 और फिर किया 75। तो प्रमोटर ने मैक्सिमम स्टेक इसमें ऑलरेडी खरीद लिया है। एफआई 0.02, डीआई 0.01, पब्लिक के पास 24%। तो मुझे ये कंपनी ये लेवल पे भी बहुत सस्ती लगती है। यहाँ पे नीलमले एग्रो इंडस्ट्रीज, इनके पास सबसे बड़ा स्टेक है 40%, और मिडल लैंड रबर एंड प्रोडक्ट पास ऑलमोस्ट 30% का स्टेक है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे लग रहा है, ये कंपनी में अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब आपको इन्वेस्ट अगर करना होगा तो हम बीएससी के चार्ट पे लेवल्स देखेंगे। देखो ये लेवल्स है
2020 से ऊपर ही जा रहा है, 21 में तो ब्रेकआउट आ गया। तो अभी अगर किसी को एंट्री लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल है देखो 109 है ना, तो 105 का स्टॉप लॉस होगा। 105 का आपको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट तो मैंने बताया शॉर्ट टर्म टारगेट है 180 का, इसमें होगा हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट 400 का है, शॉर्ट टर्म टारगेट 180 का। तो ये टारगेट के लिए इसे आप होल्ड करके चल सकते हो, ये ऐसा मुझे लगता है। ये कंपनी मैंने ऑलरेडी, मेरे पास है 70 रुपीज़ से मैंने भी खरीद के रखी है, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा। अब आगे जो आपका डिसीजन होगा वो आप खुद लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को, एडवाइजर से बात करके। मेरे वीडियो पे आप कोई भी डिसीजन नहीं लेने का, कंपनी का आप परफॉर्मेंस देखो कैसे है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे, मेरे हिसाब से तो बहुत सब बढ़िया है। देख सकते हो आप 2018, 19, 20, 21, ये चार्ट आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा, ऊपर की तरफ ही दिखेगा, 0.24, 20, 33, 45, तो इसमें भी आपको ऊपर के तरफ ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी जम दिखेगी। तो ओवरऑल कंपनी बेस्ट ऐसा फोल्ड करके चल सकते हो।